बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में विवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे लड़की पक्ष ने देखा तो घर पर ताला लगा हुआ मिला। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र के गाँव तेमुरपुर में विवाहिता दीपा चौधरी की ससुराल वालों ने जहर देकर हत्या कर दी। विवाहिता का पति विशाल चौधरी कांस्टेबल है, जो रामपुर में पदस्थ है। विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि हमने एक प्लॉट अपनी लड़की के नाम बिजनौर में लेकर दिया था। ससुराल पक्ष वाले इससे नाराज थे और उनका कहना था कि प्लॉट लड़की के नाम पर होना चाहिए। इसी बात को लेकर दीपा के दोनों बच्चों को अपने पास रखा हुआ था और दीपा चौधरी बिजनौर में एक किराए के मकान में रहती थी। अचानक विशाल कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को फोन कर जन्मदिन के बहाने घर बुलाया और उसे जहर दे दिया। परिवार वालों का आरोप है कि दिन प्रतिदिन नई नई डिमांड कांस्टेबल विशाल के परिवार वाले किया करते थे। परिवार वालों ने विशाल चौधरी के परिवार वालों पर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है। झगड़े मारपीट करो यहाँ से उसके साथ। शादी को कितना समय हुआ? शादी को हो गया 11-12 साल। क्या कोई मांग वगैरह कुछ? हाँ, सोच रहे दुनिया भर की बात करें तो मांग लेते हैं, तो दुनिया भर का वो करते हैं, कुछ कभी कुछ मांग लेते, कभी कुछ मांग लेते। टॉर्चर करो यहाँ से। बेटी कैसे मौत हुई इनकी? कैसे मौत हुई? मौत माइंड जो डिस्टर्ब हो गई थी, इसके दिमाग में जो है वो आ गया था, लड़की जो खत्म हो गई। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, मुझे बात नहीं होती। कमर दर्ज हो गई है? FIR गए हैं करना। अभी FIR दर्ज ना कर दिया कुछ। गिरफ्तारी किसी की हुई है इसमें? गिरफ्तारी अभी किसी की भी नहीं हुई अभी तक।